सीए फाउंडेशन, टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन में अलग अलग कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। इन केस अगर हम अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसे करोगे और उसको प्रेजेंट कैसे करोगे मशीनरी अकाउंट में। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है नंबर चेंज करके, सेम आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी कोई असेट्स आप सेल करते हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, 2018 में एक मशीन परचेज किया 5,82,000 का एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ऐड हो जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीन सेम ईयर में और एक मशीन परचेज किया, तो हम बोल देंगे M2, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। तो ये मशीन नंबर 2 परचेज किया 2,00,000 का, अब 2018 हो गया। ऑन 1 जुलाई 2019 मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 हैव बिकम एब्सोल्यूट, मतलब आउटडेटेड हो गया वो मशीन, और उसका नीलामी किए तो इतना पैसा मिला 3,86,000 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर 4,00,000। ये चौथा मशीन है, तीसरा मशीन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड एनुअली ऑन 31st December 10% पर एनम बाय डब्ल्यू डी वी मेथड, SLM मेथड नहीं है, WDV मेथड है। तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है बेटा जी। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखते रहे, हम तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को हमने मशीन परचेज किया, ठीक है। तो कॉलम बना देना डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, मशीनरी अकाउंट हाफ पेज का। 1 जनवरी 2018 को आपने मशीन परचेज किया तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कितने का मशीन परचेज किया, आपने कितने का मशीन परचेज किया, मशीन था 5,82,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 5,82,000, ठीक है सर। उसके ऊपर जो खर्चा किया उस वो ऐड होता है, लेकिन अलग से उसका एंट्री पास करना। तो सेम डेट को 1 जनवरी 2018 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ब्रैकेट में लिख देना इरेक्शन, नहीं तो लोगों को क्या लगेगा ये और एक मशीन खरीदा क्या, नहीं उसका इरेक्शन का चार्जेस है, हाँ क्या इरेक्शन चार्जेस 18,000, ठीक है। उसके बाद बोलता है 1 जुलाई को और एक मशीन परचेज किया, ये सेकेंड मशीनरी है, 1 जुलाई को परचेज किए तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मशीन नंबर M1 और ये M2, ठीक है, मशीन नंबर 2 याद रखने के लिए। तो मशीन नंबर 2 कितने का है, 2,00,000 रुपये का, यहाँ तक क्लियर। ये मशीन नंबर 1 है, मशीन नंबर 2। अब साल का आखिरी आ जाता है तो साल का आखिरी को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब इसका हम वर्किंग करेंगे, ध्यान देना वर्किंग नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बात कर लेते हैं कि हमारे पास दो मशीन है फिलहाल अभी, M1 और M2, ठीक है। इसका डेट ओपनिंग का जो डेट दिया है कॉस्ट, तो ये बताओ 1/1/18 को इसका कॉस्ट क्या था, तो मशीन नंबर 1 का कॉस्ट है, दोनों को प्लस कर देना, तो आंसर हो गया 6,00,000, लेकिन मशीन नंबर 2 2,00,000। लेकिन एक बात और ध्यान देना, मशीन नंबर 2 हमने कब खरीदा है, 1 जुलाई को, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 जुलाई को खरीदा है, ठीक है। अब आते हैं साल का आखिरी को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10%, सुन रहे हैं, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। तो 10% ये तो पूरा साल भर यूज किया, तो इसके ऊपर 10% आएगा 60,000, और ये पूरा साल भर नहीं यूज किया, जुलाई को खरीदा था, तो बेटा जुलाई को खरीदे थे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने इसको केवल 6 महीना यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2,00,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12 आंसर आएगा 10,000, समझ में आया, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। अब जो आंसर आएगा इसको बोलेंगे, अब जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे 1/1/19 को WDV रिटर्न ऑन वैल्यू कितना, तो 6,00,000 माइनस 60,000 कैलसी यूज किया करो, आंसर आएगा 540। तभी भी
चेक कर लेने का, गलती नहीं होना चाहिए। 6 लाख माइनस 60, 540 और इनका 1,90,000। सवाल ये कि डेप्रिसिएशन कितना है, ये साल का डेप्रिसिएशन है 70,000 और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंट्री आता है मशीनरी कम करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्या एंट्री पास करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो साल का आखिरी मतलब 31 दिसंबर 2018 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, 60,000 प्लस 10,000, आंसर 70,000। व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, टोटल करो इसका, क्लोजिंग मिलेगा अपने को अभी, तो 5,82,000 प्लस 18,000 प्लस 2 लाख टोटल आता है 8 लाख, ये टोटल यहां लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख में 70,000 निकाल दो, ये डब्ल्यू डी बी है 7,30,000 लिखेंगे 31 दिसंबर 2018 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां तक समझा, ये कैरी डाउन अभी ब्रॉड डाउन होगा 1 जनवरी 2019 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 7,30,000। सुने यहां तक बेटा, अब ये साल ही कुछ तो हुआ है, बोलता है क्वेश्चन देखें, 1 जुलाई को मशीन जो परचेस किए थे, 1 जुलाई को मतलब 6 महीना यहाँ भी यूज किया है, 1 जुलाई को जो मशीन परचेस किए थे 1 जनवरी को वो खराब हो गया और उसको हमने बेच दिया, तो सुनो जब भी कोई एसेट सेल करोगे ना उसका अलग वर्किंग करना, वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेल में प्रॉफिट होगा लॉस हो उसका अलग वर्किंग करेंगे, ये बताओ कौन सा एसेट बेचा, ये वाला बेचाना, तो ये जिधर खत्म होगा तो इधर चालू करते, बाहुबली पार्ट 1 था ये पार्ट 2 है, तो जिधर खत्म होता उधर ही चालू करेंगे, तो 1/1/19 को इसका डब्ल्यू डी वी क्या था, 5,40,000 था, हमने इसको ये तारीख को नहीं बेचा, इसको 6 महीना यूज किया, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ, और डब्ल्यू डी वी मेथड, तो डब्ल्यू डी वी मेथड में डब्ल्यू डी वी पे चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन, तो 5,40,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12 आंसर आता है 27,000, तो 27,000 उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, अब कितना बचा, तो 5,40,000 माइनस 27,000 आंसर आता है 5,13,000, ये जो आंसर आएगा ये 1 जुलाई 2019 को था, ये तारीख को हमने एसेट बेचा, कितने में सेल किया, लेस सेल, हमने ये एसेट सेल किया था 3,86,000 का, तो बेटा लॉस हुआ ना, 5 लाख का चीज 3 लाख समथिंग का बेचा तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो 5,13,000 माइनस 3,86,000 हमारा लॉस हुआ, 1,27,000 का लॉस हुआ। सुनो इसमें 3 चीज मिला हमको, ये 3 बातें ध्यान देना आपको है, शंकर भगवान का त्रिशूल, ये 3 बातें आपको ध्यान देना है, पहला इसमें से डेप्रिसिएशन का एंट्री, सेल का एंट्री और लॉस का एंट्री, ये 3 चीज आपको ध्यान देना है, जब जब एसेट सेल करोगे तब तब हम आएंगे, शंकर भगवान को भूलना नहीं। तो सुनो पहला तो डेप्रिसिएशन, बाद में सेल, बाद में लॉस, तो सुनो ये कब हुआ था, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 2019 को जब आप एसेट सेल करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 27,000। ये एसेट तुमने कितने में बेचा, तो बेचा तो पैसा मिलेगा, लिखेंगे बाय बैंक कितना, 3,86,000। ये एसेट में लॉस हुआ, लॉस प्रॉफिट लॉस का डेबिट में जाता है तो इसका क्रेडिट में, अकाउंट से उसका डेबिट में तो इसका क्रेडिट में, तो ये साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस हुआ, 1,27,000 का। सर अगर कहीं प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है तो इधर आएगा, अरे बोलो समझा क्या, तो ये समझा, ये सेल का एंट्री हो गया, शंकर भगवान का त्रिशूल। अब बात करते हैं, इसी तारीख को हमने और एक मशीन परचेस किया, बोलता है 4 लाख का, तो ये मशीन नंबर 3 है, कितने लाख का है, 4 लाख का है,
लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सुनो, इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए क्योंकि इसको नीचे सॉल्व किए थे, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 190,000 के ऊपर 10%, 19,000 इज द डेप्रिसिएशन, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने का, तो 4 लाख के ऊपर 10%, आधा। वाई सर आधा? बिकॉज 6 मंथ ही यूज किया हमने इस असेट्स को, इसको पूरा 12 महीने का, ठीक है। यस सर, तो जो भी आंसर आएगा, अभी इसको तो हमने हटा ही दिया, ये तो नीचे चले गए, इनका डेप्रिसिएशन हमने नीचे किया था इसीलिए इनको नहीं सॉल्व किया, इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस कर लो, हमको तो डेप्रिसिएशन चाहिए। तो 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, जो मशीन अपने पास है, दैट 19,000 प्लस 20,000, तो 19,000 प्लस 20,000 आंसर 39,000। अब हमारे पास जो असेट्स है उसका बैलेंस पता चलेगा। 19 को हमने एक और एक मशीन परचेज किया 4 लाख का, तो लिखेंगे 2 बैंक, कितना लाख, 4 लाख का। अब अकाउंट को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, तो 7,30,000 प्लस 4 लाख आंसर 11,30,000, 11,30,000 माइनस 27,000 माइनस 3,86,000 माइनस 1,27,000 माइनस 39,000 आंसर आता है 5,51,000। बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 31 दिसंबर 2019 को हमारे पास जो दो मशीन है, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 का WDV है। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया अच्छे से कि जब भी कोई असेट हम सेल करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आप अलग करोगे, और त्रिशूल याद रखो, ठीक है। और ये जो मशीन आपके पास बचा है वो उसका डेप्रिसिएशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलो बाय बाय।